ये हमारा किर्लोस्कर कंपनी का स्टॉल है, तो आप देख सकते हो कि अच्छी तरफ से हमने इसका डिज़ाइन किया हुआ है। कृषि प्रदर्शन में हमारा सबसे बड़ा स्टॉल है। हमारे मॉडल भी बहुत बहुत है, आप देख सकते हो। डिस्प्ले के लिए हमने जो दो पावर टिलर है यहाँ पे हमने नीचे खड़े किए हुए हैं। यहाँ डेमो के लिए भी तीन पावर टिलर हमने खड़े किए हुए हैं। यहाँ पे जो किसान भाई आते हैं हम यहाँ से उनको डेमो देते हैं, आप देख सकते हो। ये 8 HP का पेट्रोल पावर वीडर है। ये ऐसे इसमें रोटावेटर आते हैं, इसकी मैक्सिमम जो विड्थ है हम 6 फुट तक कर सकते हैं। इसे रिकॉइल स्प्रिंग से स्टार्ट होता है, ये इसको रिकॉइल स्प्रिंग का मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये पेट्रोल है इसलिए यहाँ पे कार्बोरेटर दिया हुआ है कंपनी ने छोटा सा। यहाँ पे एयर किन्नर है और यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट है साइलेंसर। और इसकी ये पेट्रोल टैंक है जिसमें आराम से 4 लीटर या 5 लीटर तक पेट्रोल हम स्टोर कर सकते हैं। और इसको रोटर बिठाने के लिए हमारा जो ये टायर रहता है वीडर का, हम निकाल के यहाँ पे रोटर लगा सकते हैं। ये जो पिन रहती है हम वो निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। हमारे कंपनी का एक जो है सब पावर वीडर हम PTO शाफ्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए हम डायनामो यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो STP रहता है हमारी खेती में फवारने के लिए, हम यहाँ पे STP भी लगा सकते हैं। यहाँ पे टोइंग के लिए ट्रॉली भी लगा सकते हैं, छोटी सी ट्रॉली लगती है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। और दूसरे इक्विपमेंट रहते कल्टीवेटर हो गया, MB प्लाव हो गया, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे हाइट के अनुसार हम सब पावर वीडर को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से और इधर से। इसके लिए एक लीवर दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप का यूज़ ऐसे होता है, जब आप खेत में चलते हो तब हमारा पावर टिलर हाथ से निकल गया तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर जाके बंद होता है हमारा पावर टिलर। यहाँ पे क्लच दिया हुआ है। यहाँ पे थ्रोटल के लिए एक्सेलरेटर बोल सकते हैं, एक्सेलरेटर है। और यहाँ पे रिवर्स गियर है। और हमारे पावर वीडर को 2 गियर आते हैं, फर्स्ट और स्लो। यहाँ पे गियर दिया हुआ है। वैसा 8 HP का ही पावर वीडर है। अब हम 8 HP डीजल का पावर वीडर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये टायर रहता है पावर वीडर का, इसे सेंटर रोटावेटर पावर वीडर बोलते हैं। तो ये टायर निकाल हटा के हम ये ऐसा यहाँ पे रोटावेटर लगा सकते हैं। तो इससे हम खेत को अच्छी तरह से ये 6.5 HP का पावर वीडर है, पेट्रोल में आता है। अब हम ऊपर की तरफ ऑल मॉडल देखते हैं। पहले हमारा जो सबसे छोटा प्रोडक्ट है 2 HP का पावर वीडर, यहाँ से हम देखते हैं। ये हमारा न्यू लॉन्च किया हुआ पावर वीडर है, 2 HP में आता है ये, आप देख सकते हो। इसको स्प्रे और STPC भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। रिकॉइल स्प्रिंग में स्टार्ट होता है ये। बेल ड्राइव में आता है ये पावर वीडर। हमारा किर्लोस्कर का बैजिंग यहाँ दिया हुआ है। इसका मोस्ट ऑफ यूज जो छोटी खेती करते हैं, शायद 2 एकड़ या 3 एकड़,
उनके लिए ये बहुत अच्छे से यूज़ में आता है। यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एयर क्लीनर दिया हुआ है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सीसी का वो 87 है और इसकी 1.8 कैटेगरी में आता है, 1.8 एचपी में। इसका जो रेटेड आरपीएम है 3600 आरपीएम में आ जाता है रेटेड। रिकॉइल स्प्रिंग से स्टार्ट होता है ये। यहाँ पे देख सकते हो ये पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे इसलिए स्विच दिया हुआ इग्निशन का। यहाँ पे नीचे क्लच है, यहाँ पे थ्रोटल के दिया हुआ है, हमारा एक्सेलरेट थ्रोटल के लिए है। यहाँ से हम डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं पावर रीडर की, यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। हमारा ऐसा डिज़ाइन है और ये रोटावेटर आप देख सकते हो। हमारा ये रिपर है, 8 एचपी में आता है डीजल इंजन में रिपर, किर्लोस्कर कंपनी का। ऐसी डिज़ाइन दी हुई है रिपर की। 3 फीट तक इसका जो विड्थ है वो है। यहाँ पे कोई भी कंपनी रिपर को लॉक नहीं प्रोवाइड करती, तो हम यहाँ पे लॉक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी तरफ से हम जो रोड पे चलते हो तो रिपर हमारा बंद कर सकते हैं। ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी हमने दी हुई है। डीजल इंजन है 8 एचपी का, आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइन। यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे फिराना है वैसे, और यहाँ से हम लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके फुल स्पेसिफिकेशन है इसमें, मल्टी एप्लीकेशन फ्यूज से कैपेसिटी। इसका लगभग 700 ml प्रति हावर्स में ये डीजल कंज्यूम करता है। यहाँ पे भी पावर रीडर को इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है। यहाँ पे इसके गियर दिए हुए हैं, यहाँ पे छोटी सी डिग्गी दी हुई है कंपनी ने। यहाँ पे थ्रोटल है और ये रिवर्स गियर है। रिकॉइल स्प्रिंग से स्टार्ट होता है। इसका जो सीसी है वो 418 सीसी में आता है। ये सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है इसका, और रेटेड आरपीएम 3000 और हाई आरपीएम 3300 में आता है। 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर आता है इसमें। इसका जो हम इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, रिपर भी लगा सकते हैं, एज वेल एज हम जो रोटावेटर भी इसे सेंटर रोटावेटर में लगा सकते हैं। रिपर निकाल के हम यहाँ से रिपर निकाल के हम सेंटर रोटावेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डीजल फिल्टर दिया हुआ है, कोई भी कंपनी डीजल फिल्टर प्रोवाइड नहीं करती है। यह हमारा दूसरा मॉडल है पेट्रोल का, 8 एचपी पेट्रोल का। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सीसी का वो 306 डिस्प्लेसमेंट आता है। इसका रेटेड जो आरपीएम है 3600 है और मैक्सिमम आरपीएम 3750 है। यहाँ से हम टायर निकाल के यहाँ पे रोटावेटर लगा सकते हैं, सेंटर रोटावेटर में आता है ये भी। यहाँ पे एग्जॉस्ट है। यहाँ भी पीटीओ दिया हुआ है, सभी पावर टिलर को हमारा पीटीओ है, सॉरी पावर रीडर को, जिससे मल्टीपर्पज़ और ये बेहतर होता है इसमें। यहाँ भी हम इक्विपमेंट लगा सकते हैं दूसरे वाले, छोटी सी ट्रॉली भी ये पुल करता है। यहाँ से एडजस्ट के लिए भी लीवर दिया हुआ है यहाँ पे। यह हमारा 5 एचपी का पावर वीडर है, ये भी पेट्रोल में आता है हमारा, तो ये 306 सीसी में आता है, सॉरी 196 सीसी में आता है। ये भी सेंटर रोटावेटर में आता है। टायर निकल के हम यहाँ पे लगा सकते हैं,
प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मडगार्ड दिया हुआ है। यहाँ पे भी दो गियर आते हैं फास्ट और स्लो का। यहाँ पे हमारी बैजिंग आती है किर्लोसर कंपनी की। यहाँ पे थ्रोटल, एक्सेलरेटर, रिवर्स शिफ्टिंग गियर, क्लच, इमरजेंसी स्टॉप, बहुत से फीचर दिए हुए कंपनी ने यहाँ पे। इसे भी हम पीटीओ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इससे भी ट्रॉली पुल कर सकते हैं हम और दूसरे इक्विपमेंट लगा सकते हैं। यह हमारा दूसरा मॉडल है, 8 HP में डिलक्स आता है। इसका 8 HP डिलक्स सेंटर रोटावेटर और हमारा 8 HP डिलक्स भी है। जो डिलक्स है इसकी एक खास बात यह है कि इसका रोटावेटर पीछे है, डीजल इंजन में आता है। ये भी रिकॉइल स्प्रिंग से स्टार्ट होता है। आगे तरफ प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये डीजल टैंक है 5 लीटर की और ये एग्जॉस्ट है। डीजल फिल्टर हमारा आता है यहाँ पे। और इसकी एक खास बात है कि हमारे जो ट्रायर है यहाँ पे हम वेट लगा सकते हैं वेट बढ़ाने के लिए। इसका ऐसे रोटावेटर दिखता है। जो इसका मेन पर्पज है बनाने के पीछे का, जो हम इससे बेड कर सकते हैं इसके रोटावेटर से और जुताई भी कर सकते हैं। ये स्पेशली पर जो शुगर कैन, हल्दी और अदरक के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। मल्टीपर्पज है ये। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पावर टिलर वीडर को डिफरेंशियल लॉक नहीं आता। यहाँ पे हमने लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे रिवर्स गियर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेटर है, यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप है, यहाँ पे क्लच दिया हुआ है, यहाँ पे एक एडजस्ट के अनुसार से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसका हैंडल को। ये लीवर से हम हैंडल एडजस्ट कर सकते हैं हमारे हाइट के अनुसार से। इसको एक खासियत दी हुई है कंपनी ने। और जो हमारे को ये देखो ऐसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। मतलब रोटावेटर पीछे की साइड से चाहिए, आगे की साइड से चाहिए, हम भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ गियर के अरेंजमेंट दी हुई है, आपने देख सकते हो। ये हमारा है 6.5 HP का पेट्रोल इंजन। इसमें भी रिकॉइल स्प्रिंग दी हुई है। ये पेट्रोल इंजन है यहाँ, इसलिए इग्निशन ऑन ऑफ का बटन है, स्विच है। यहाँ पे पेट्रोल टैंक दी हुई है। ये भी सेंटर रोटावेटर में आता है। ये हमारे पावर वीडर की पूरी रेंज है। यहाँ पे भी गियर है फास्ट स्लो। यहाँ पे एक्सेलरेटर, ये सब फीचर्स कॉमन है पूरे पावर वीडर में। अब हम देखते हैं हमारे पावर टिलर। ये हमारा छोटा पावर टिलर है, 12 HP में आता है ये मॉडल। LWS। ये हैंडल स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो कि आगे तरफ से बड़े से हेडलैम्प दिया हुआ है रात के लिए अंधेरे में काम करने के लिए। यहाँ से हम इंजन बैड सेट कर सकते हैं पीछे या आगे लेने के लिए। यहाँ पे डीजल फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ से हम ऑयल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिएटर है, इसलिए बहुत बढ़िया कूलिंग होती है। यहाँ से हम कूलेंट डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे कूलेंट टैंक है, यहाँ पे डीजल टैंक है। लगभग 8 लीटर डीजल इसमें बैठता है। ये एयर किन्नर है।
इसके टायर एडजस्ट कर सकते हैं हम, इसकी ओवर विड्थ हम कम कर सकते हैं, इसकी मिनिमम विड्थ है 2.5 हम मिनिमम विड्थ कर सकते हैं। शुगर कैन के लिए ये यूज़ होता है रोटावेटर, एज वेल एज मल्टीपर्पज़ है, आप कोई भी खेत में चला सकते हैं। इसकी ब्लेड फिलहाल लगाई नहीं हुई है, मैं आपको दूसरा पावर टिलर में ब्लेड दिखाता हूँ। इसका जो टेल व्हील है हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट के लिए दिया हुआ है, इससे हम नीचे या ऊपर ले सकते हैं। इसको सीट अरेंजमेंट नहीं आते 12 HP को, लेकिन हम ऑप्शनल में लगा सकते हैं सीट यहाँ पे। यहाँ पे स्विचेस दिए हुए लाइट के, ये क्लच है, ये क्लच अभी एंगेज हुआ है और हम पीछे करेंगे तो ये डिसएंगेज है। और यहाँ पे हम जो पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक भी बोल सकते हैं, यहाँ से इस स्लॉट में डाल दिया, हम हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 6 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर दिए हुए हैं, यहाँ से लो हाई का गियर आता है, जो बड़े ट्रैक्टर में आता है वैसा ही हमारे पावर टिलर में भी ये आता है। जब हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तब हम लो पे चला सकते हैं, और जो पावर चाहिए तो हम हाई पे चला सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया सा एग्जॉस्ट दिया हुआ है, एग्जॉस्ट के ऊपर हमने कवर भी दिया हुआ है। हमारा दूसरा पावर वीडर है, सॉरी पावर टिलर है, 12 HP में आप देख सकते हो। ये हमारा न्यू पावर टिलर है जो केकुल इंजन में आता है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसका क्लेम है कि 24 आवर हम नॉन स्टॉप चला सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो बढ़िया से ट्रैक्टर जैसा लुक दिखता है इसे। किर्लोस्कर की हमारी बैजिंग, ये हमारा इंजन है, ये लगभग 8 लीटर के फ्यूल टैंक है, वहाँ के पीछे की तरफ रेडिएटर है। हमारा स्पिन ऑन फिल्टर दिया हुआ है, कोई भी कंपनी ये प्रोवाइड नहीं करती, हमने किर्लोस्कर ने ये प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हम हैंडल स्टार्ट कर सकते हैं इसे, ये 12 एचपी में सिर्फ हैंडल स्टार्ट ही ऑप्शन है, ये डीजल फिल्टर है। और यहाँ पे एयर क्लीनर देख सकते हैं आप, इसकी भी जो टायर की विड्थ है मिनिमम 2.5 तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हमने वेट लगाया हुआ है, बैलेंसिंग करने के लिए इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, टेल व्हील को यहाँ से कितनी डेप्थ हमारे को रोटावेटर चाहिए। ये हमारा क्लच का लीवर है, ये एक्सेलरेटर है। हमारा जो दूसरा मेगा टी 12 HP LV मॉडल है, इसकी डिज़ाइन सेम है, इसको स्पिन ऑन फिल्टर दिया हुआ है, बेल ड्राइव में आता है ये। इसका भी जो हमारे जो टायर रहते हैं हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मिनिमम 2.5 फीट तक हम इसको अंदर ले जा सकते हैं। इसके रोटावेटर के ब्लेड लगाए हुए हैं, हम दिखाते हैं, मैं ये देखो, ये हमारे रोटावेटर के ब्लेड है। इसकी ये ऐसे डिज़ाइन किए हुए कि जब आप आगे की तरफ जाते हो तो ये हमारी मिट्टी है जो ढीली कर देता है, और जब हम ये निकालते हैं तो हमारे जो बेड रहते हैं वो भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके मल्टीपर्पज़ रोटावेटर है हमारा, इसका टेल व्हील लगाता है, इसको हम सीट अरेंजमेंट भी यहाँ कर सकते हैं। इसका जो रोटावेटर का जो गियर है यहाँ पे है, इसका भी लो हाई का गियर दिया हुआ है, टॉर्क या पावर अपने को चाहिए। जब यहाँ के लाइट के कंट्रोल दिए हुए हैं, क्लच का स्लॉट, एक्सेलरेटर, ये दोनों टर्नर, जब हमको लेफ्ट को मूव करना है या मोड़ना है
पावर टिलर को, तब हम लेफ्ट साइड का जो टर्नर रहता है वो हम दबाते हैं तो लेफ्ट काई में घूमता है। कोई भी पावर टिलर को पीटीओ नहीं प्रोवाइड करता, हमारी कंपनी पावर टिलर को पीटीओ प्रोवाइड करती है, जिसकी यूज से हम डायनामो रहता है वो हम रन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और उसका यूज जो बोरवेल की मोटर रहती है वो स्टार्ट करने के लिए हम कर सकते हैं। इस पे हम एसटीपी लगा सकते हैं, मल्टीपर्पज है हमारा पीटीओ। ये भी हमारा 12 एचपी में आता है पावर वीडर टिलर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कंपनी की जर्नी दिखा हुआ है पूरी हिस्ट्री। ये हमारे पूरे पावर वीडर पावर टिलर की रेंज है। अब हम 15 एचपी का पावर टिलर देखते हैं। ये हमारा 15 एचपी का पावर टिलर है, एलवी मॉडल। इसमें भी आपने स्पिन ऑन फिल्टर दिया हुआ है, 15 एचपी की बैजिंग दी हुई है यहाँ पे। स्पिन ऑन फिल्टर, कोई भी पावर टिलर स्पिन ऑन फिल्टर प्रोवाइड नहीं करता। ये हैंडल स्टार्ट में आता है, हमारे दो पावर 15 एचपी में पावर विद टिलर ये दो मॉडल आते हैं, हैंडल स्टार्ट एज वेल एज सेल्फ स्टार्ट। हमारा के कूल इंजन में आते हैं पूरे, अभी न्यू जो लॉन्च किए मॉडल। ये भी 8 लीटर का डीजल टैंक है, बहुत बढ़िया सी यहाँ पे लाइट दी हुई है। ये रेडिएटर है, यहाँ पे रेडिएटर कूलिंग के लिए फैन दिया हुआ है, और ये कूलेंट टैंक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हो बढ़िया सा मडगार्ड दिया हुआ है आगे की तरफ। ये यहाँ पे स्टैंड भी दिया हुआ है। टायर के एडजस्टमेंट में हम कर सकते हैं मिनिमम 2.5 फीट तक। हमारे ये पावर टिलर को ब्रेक आता है, जो कोई भी पावर टिलर ब्रेक प्रोवाइड नहीं करता। हमारा एक खास बात है कि हम पावर टिलर को ब्रेक प्रोवाइड करते हैं। इसको भी पीटीओ शाफ्ट आता है, हम पीटीओ शाफ्ट की यूज से हम दूसरे इक्विपमेंट लगा सकते हैं। इसको सीट प्रोवाइड करते हैं पाम, कोई भी पावर टिलर अभी तक सीट प्रोवाइड नहीं करता, एक्स्ट्रा उसको बाहर से सीट लगाना पड़ता है, लेकिन हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है सीट 15 एचपी को। ये टर्निंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ हमारा क्लच है, यहाँ से लाइट के स्विच दिए हुए। ये हमारा ब्रेक दिया हुआ है, कोई भी पावर टिलर अभी तक ब्रेक नहीं प्रोवाइड करता, हमारी कंपनी ने ये भी किया हुआ है सेफ्टी के हिसाब से। ये टर्नर है, इसके भी आप गियर के अरेंजमेंट देख सकते हो, हाई और लो। रोटा बेटा, इससे हम इसकी डेप्थ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जितना चाहिए हम खेती में इसको डेप्थ चाहिए, हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम
और एक्सेसरीज लगा सकते हैं। बेल्ट ड्राइव में आता है पूरा। और इसका हमारे पावर टेल का एक पर्पज़ है कि हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं इसका। यहाँ से हम जब रोटावेटर यहाँ से निकालते हैं तब हम दूसरे इक्विपमेंट भी इसको जोड़ सकते हैं। हमारा एक इक्विपमेंट है साथी का, मैं आपको दिखाता हूँ किसी तरफ से हमने जोड़ा हुआ है। ये हमारा साथी का इक्विपमेंट है, तो इससे रोटावेटर प्लस हम दूसरे भी काम कर सकते हैं। कल्टीवेटर, एमबी प्लाउ यहाँ पे लगा सकते हैं हम, और ट्रॉली भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम, और इससे भी हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। किसान भाई के लिए समझने के लिए हमने ये भी किया हुआ है। मल्टीपर्पज है हमारा पावर टिलर। ये साथी रहता है, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नट बोल्ट दिए हुए हैं, हम इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। मल्टीपल यूज के लिए हम पावर टिलर यूज कर सकते हैं। सीडर अरेंजमेंट भी यहाँ पे बैठती है। ये हाइड्रोलिक वाला है, दूसरा मैनुअल वाला आपको दिखाता हूँ। मैंने ये भी हमने जोड़ के रखा हुआ है, ये मैनुअल वाला है। हम रोटावेटर निकाल के यहाँ पे पूरे एक्सेसरीज जो है पीछे के साइड से हम लगा सकते हैं। हमारा जो टॉप वेरिएंट है तो 15 एचपी में डिलक्स मॉडल, इसकी थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको। यह हमारा पावर टिलर का डिलक्स मॉडल है 15 एचपी का। यह हमारा 15 एचपी का डिलक्स मॉडल है, तो इसमें आप देख सकते हो आगे की तरफ किर्लोस्कर की बैकिंग स्पिन ऑन फिल्टर, प्रोटेक्शन के लिए गार्ड। ये सेल्फ स्टार्ट में आता है हमारा, यानी की स्टार्ट में आता है। यहाँ पे देख सकते हो अपन स्टार्टर। यहाँ पे स्टैंड भी दिया हुआ है, ये दोनों इसमें आता है। हैंडल स्टार्ट भी कर सकते हैं और सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। डीजल फिल्टर दिया हुआ है, कोई भी कंपनी डीजल फिल्टर प्रोवाइड नहीं करती। एयर क्लीनर है, इसके जो टायर की विड्थ है हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 2.5 तक हमारी विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी दी हुई है, यहाँ पे पीटीओ शॉट भी है, इससे हम एक्सेसरीज लगा सकते हैं। और हमने पॉइंट भी दिए हुए। अब जो फाउंडेशन है आप पीटीओ का या एसटीपी का दूसरा फाउंडेशन यहाँ से कर सकते हैं अरेंजमेंट। रोटावेटर निकाल सकते हम दूसरे अटैचमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए सीट अरेंजमेंट भी दी हुए। इस पे ब्रेक डिस्क ब्रेक देते हैं हम, स्विच स्टार्टिंग का स्विच। यहाँ पे 12 होल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है कंपनी ने मोबाइल के लिए। हॉर्स मीटर भी आता है इसमें, हेडलाइट के स्विच, क्लच, टर्नर। हमारा बहुत बढ़िया पावर टिलर है किर्लोस्कर कंपनी का। ये हमारी पूरी रेंज दी हुई है। रोटावेटर भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किर्लोस्कर कंपनी के। आप देख सकते हो हमारी जो रोटावेटर है, ये देखो यूनिवर्टर किर्लोस्कर कंपनी के। हमारे जो रोटावेटर है 4, 5, 6 फीट में हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में भी आता है हमारा बड़ा रोटावेटर। इसके आप देख सकते हो ब्लेड के अरेंजमेंट। यहाँ से लेके हम लगा सकते हैं हाइड्रोलिक ट्रैक्टर के। रोटावेटर का शाफ्ट है, जो हमारा पीटीओ है ये 540 से 1000 आरपीएम में घूमता है। तो हमारा ये मल्टी स्पीड का गियरबॉक्स है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं रोटावेटर है 5 फीट में सर, ये 5 फीट में हेवी ड्यूटी में आता है, हेवी रेंज में आता है ये।
ये अपने 40 HP के आगे के ट्रैक्टर सभी ट्रैक्टर को चलता है सर। इसके जो ब्लेड है ये बोरॉन स्टील के बने हुए और पाउडर कोटेड है। इसकी जो जीज होने की क्षमता है वो बहुत कम है। और आप जो देख रहे हैं वो शाफ्ट वो हेवी ड्यूटी में दिया है। इसका ये रोटर का एक खासियत है ये किर्लोस्कर रोटावेटर की। और एक जो बात है इसमें दूसरी वो है सर बैलेंस है। कोई भी ट्रैक्टर को आप लगाएंगे रोटावेटर तो मतलब बैलेंस पूरा होगा इसका, ऐसा कुछ नहीं मतलब बैलेंस नहीं होगा। ये बैलेंस आप देख सकते हो। और ये जो है सर मल्टी स्पीड में है, 540 से 1000 तक घूमेगा RPM। और इसका गियर चेंज करने का भी तरीका मतलब इजी दिया है। ये आप खोलने के बाद आप गियर भी चेंज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं रोटर स्पीड चार्ट है यहाँ पे, 540 से 1000 तक है। और इसमें अभी 18 और 17 का गियर है। जो RPM लगता है इसको 540 में वो है सर 218। इसका जो गियर बॉक्स है हेवी ड्यूटी है। और एक खासियत दूसरी बात है इसकी वो मैकेनिकल टाइप की ऑयल सेल है इसको, जिसके कारण वाटर वगैरह इसमें जाएगा नहीं है। देख सकते हैं आप हेवी स्किड दिया है इसको, वाई स्किड। वियर एंड टीयर इसमें कम होता है। ये जो दूसरा रोटावेटर देख रहे हैं आप ये 5 फीट में लाइट वेट में है। इसका जो गियर बॉक्स है इसमें चेंज है, ये देख सकते हैं आप। ये भी मल्टी स्पीड में 540 से 1000 तक RPM पे घूमता है। आप इसका भी रोटर चार्ट देख सकते हैं स्पीड का जो है। इसमें 20 और 16 के गियर है अभी दिए हुए इसमें। और इसको एयर ब्रीदर दिया है, आप देख सकते हैं ऑयल लीकेज नहीं होगा कुछ नहीं इधर। और ये गियर ड्राइव में रोटावेटर है अपना, हेवी स्किड दिया है इसको भी देख सकते हैं। और इसके जो ब्लेड है ये 15 डिग्री एंगल में है, हेलिकल शेप में दिए देख सकते हैं, एल शेप में है। पाँच फुट में 36 ब्लेड आते हैं रोटावेटर को मल्टी स्पीड गियर ड्राइव में। और ये जो है 6 फुट है 42 ब्लेड्स गियर ड्राइव मल्टी स्पीड में देख सकते हैं आप। इसका गियर बॉक्स है, ये भी 540 से 1000 RPM पे घूमता है। इसका 17-18 का गियर है इसमें। हमारा ये दूसरा डिवाइस आप देख सकते हो, ये स्पेशल पर्पज़ है स्टोन कटिंग के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सिर्फ हम जो हमारी चेसी की माउंटिंग है ये है और ये है क्लच प्लेट और यहाँ पे रोटावेटर दिया हुआ है। तो इसका यूज़ ऐसे करते हैं जो स्टोन कटिंग वाले वर्कर रहते हैं इसको लेके जाते हैं यहाँ की एक मोटर लगाते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर जो उसका ड्राइव यहाँ पे देते हैं। और इस ड्राइव से हमारा वो जो रोटावेटर है और ऑन होता है। और इसको ब्लेड नहीं ये क्या करते हैं इसको ये शाफ्ट निकाल देते हैं और इसको यहाँ बड़ी एक ब्लेड लगाते सर्कुलर आकार की बड़ी ब्लेड लगाते हैं उसको पीछे की तरफ टायर रहता है तो वहाँ से वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोल्हापुर साइड को आपको वो दिखते हैं जो रेड कलर के स्टोन रहते हैं वो कोल्हापुर साइड को दिखते हैं वो कट करने के लिए यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसको गियर दिए हुए हाई लो का, इसकी भी हम जो विड्थ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी PTO शाफ्ट का आउटलेट दिया हुआ है। अब हम हमारा जो बड़ा रोटावेटर है हम देख सकते हैं 7 फीट का हमारा रोटावेटर है। ये हमारा सबसे बड़ा रोटावेटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अल्टरनेटर है यहाँ पे जो पावर टिलर को लगता है ये 15 KV का है। कस्टमर को समझने के लिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले भी लगाया हुआ है, इससे हम कैसे हमारा पावर टिलर और पावर रीडर यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक मॉडल के साथ हमने स्क्रीन भी दी है। देख सकते हैं हमारा पावर टिलर मेगा टी 15 HP LV मॉडल, एक खेत में ऐसे चलाता है गन्ने के खेत में। ये हमारा 12 HP का LV मॉडल है, ये भी हम लगा सकते हैं खेत में।
और हम रोटावेटर निकाल के ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं, ये एमबी प्लाउ बेड तैयार करने के लिए। ये हमारा ब्रश कटर है, ये हमारा पावर वीडर 5 HP का, इसका हम ऐसे यूज कर सकते, पूरे पावर वीडर का ऐसे यूज करते हैं। हमारे पावर वीडर के लिए ये लगता है, ये हमारा मेटल का व्हील है, तो हम जहाँ पे राइस की खेती होती है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये भी हम पावर वीडर को लगा सकते हैं। ये इक्विपमेंट है स्पेशल पर्पज। ये STP आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा STP प्लस इंजन का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये भी हमारा ये वाटर पंप, पेट्रोल का रन करने वाला वाटर पंप। ये हमारा 5 HP मेरे पर आता है। ये हमारा ब्रश कटर आता है क्यूबिक्स का, 2-स्ट्रोक इंजन है इसका। लाइट वेट है, लेस लुब्रिकेशन वाइब्रेशन में आता है। फ्यूल कंजम्पशन इसका बहुत ही अच्छा है, 43 cc में आता है हमारा ब्रश कटर। 2-स्ट्रोक का इंजन है इसका, 1.5 HP में इसका पावर जनरेशन है। इसकी जो लेंथ है वो 1500 mm है। इसका जो शाफ्ट है वो 28 mm का है। हमने कृषि प्रदर्शन में ये इंजन में रखे हुए डीजल इंजन, ये 12 HP का है। इसके यूज से हम डिफरेंट एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ये हमारा 12 HP और 15 HP का है। ये पेट्रोल इंजन है 5 HP का। ये हमारा 8 HP का डीजल इंजन है। ये हमारा ऐसा कृषि प्रदर्शन का स्टॉल आप देख सकते हो, अभी भीड़ आनी चालू हुई है। थैंक यू।